आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश भर में ऐसे कई लोग हैं जो आंख में चोट, धब्बे की समस्या की वजह से अंधता के शिकार हो जाते हैं। इन परेशानियों के उपचार में नेत्रदान एक असरदार उपाय साबित हो सकता है। नेत्रदान के लिए लोग जागरूक होकर कई लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। देश भर में ऐसे कई लोग हैं जो आंख में चोट, फूले व धब्बे की समस्या की वजह से अंधता के शिकार हैं। इन परेशानियों के उपचार में नेत्रदान एक असरदार उपाय साबित हो सकता है। नेत्रदान के लिए लोग जागरूक होकर कई लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकते हैं। नेत्रदान मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट और कॉर्निया डोनेशन। हम नेत्रदान में पूरी आंख नहीं निकालते, ये पहली बात बहुत समझनी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये भ्रांति है कि आंख को पूरा निकाला जाता है और इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग आई डोनेशन करने से हिचकिचाते हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि कॉर्निया स्क्लेरल रिम, यानी आप ऐसे समझ लो बोलचाल की भाषा में कि सिर्फ कॉर्निया, ये सिर्फ 12 मिलीमीटर का स्ट्रक्चर है जिसको हम निकालते हैं। जो हमारा काला कंचा आप देख रहे हो, सिर्फ इसी को हम निकालते हैं और इसी को हम ट्रांसप्लांट करते हैं, पुतली प्रत्यारोपण जिसे हम कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एक आंख से नहीं दिखता या दोनों आंखों से जो ब्लाइंड हैं, जो कॉर्निया की बीमारी से जिनकी ये काला कंचा खराब हो गया, सफ़ेद हो गया, उनको वापस दिखने लगता है। तो ये बात बहुत समझने वाली है कि जब हम डेथ के बाद, आई डोनेशन जो होता है डेथ के बाद होता है, आप जीते जी प्रतिज्ञा कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी आई डोनेट कर दी जाए, लेकिन आई डोनेशन डेथ के बाद होता है। और डेथ के बाद हम पूरी आई बॉल नहीं निकालते, तो कोई फेस का डिसफिगरमेंट नहीं होता। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे प्रियजन का डेथ के बाद फेस खराब हो जाएगा इसलिए हम आई डोनेट नहीं करेंगे और ये बहुत लंबा प्रोसीजर है या इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमें अगर कॉल भेजेंगे तो हम घर पे जाके, हमारा टीम जाके, और 15 मिनट का प्रोसीजर है, क्योंकि बस इतना छोटा सा टुकड़ा हम आँख से निकालते, पूरी आई नहीं निकालते। आपका दूसरा सवाल है कि कौन कौन से लोग आई डोनेट कर सकते हैं। आई डोनेशन सभी कर सकते हैं, इवन जिनको डायबिटीज़ है या जिनको कैटरेक्ट है या और भी हाइपरटेंशन है, इवन वो लोग भी आई डोनेशन कर सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र बैंक प्रभारी डॉक्टर शेफाली मजुमदार ने बताया कि नेत्रदान के लिए पहले पूरी आंख को निकाला जाता था, लेकिन अब केवल आंख के पारदर्शी हिस्से यानी कॉर्निया को ही निकालते हैं। इस प्रत्यारोपण को किरेटोप्लास्टी कहते हैं, जो वास्तव में कॉर्निया पारदर्शी पुतली का प्रत्यारोपण है। इस सर्जरी में दान की हुई आंख से पारदर्शक कॉर्निया को निकाल कर खास किस्म के सॉल्यूशन में सुरक्षित रख कर आई बैंक ले जाते हैं। कॉर्निया की टेस्टिंग कर उसके गुणवत्ता पता लगाकर कोरिसिनॉल सॉल्यूशन में 2 हफ्ते तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रत्यारोपण के दौरान मरीज के खराब कॉर्निया को हटाकर स्वस्थ कॉर्निया लगाया जाता है। कई शोधों के बाद डॉक्टर अब दान किए गए एक कॉर्निया से 4 मरीजों को रोशनी दे सकते हैं। नेत्रदान के दौरान उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें दोनों आँखों से नहीं दिखाई देता। यस, दैट इज वेरी क्रूशियल पीरियड, 6 घंटे का क्रूशियल टाइम है। आँखों की नमी जो है, कॉर्निया की नमी सिर्फ 6 घंटे तक ही बनी रहती है, उसके बाद वो ड्राई हो जाती है। इसलिए जब हमारे पास कॉर्निया के लिए कॉल आती है तो हम हमेशा फ़ोन पे ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आँखों को बंद कर दें, जो भी मृत व्यक्ति हैं उनकी आँखों को बंद करके उनके ऊपर गीली रुई रख दें ताकि कॉर्निया की नमी बनी रहे। लेकिन इसके बावजूद भी 6 घंटे इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट। उसके बाद कॉर्निया ट्रांसप्लांट में उतना सक्सेसफुल नहीं होता अगर उसके लेट रिट्रीवल होता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसका कॉर्निया पूरी तरह से स्वस्थ हो वह नेत्रदान कर सकता है। वैसे 10 से 50 वर्ष के व्यक्ति की आंखें ज्यादा उपयोगी होती हैं। दुर्घटना, हार्ट अटैक, लकवा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा और मूत्र संबंधी रोग के कारण मौत होने पर आंखों का प्रयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जा सकता है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।